आज के जुमातुल मुबारक के वाज के लिए कुछ अर्ज करने के लिए मैंने सूरतुल गाशिया से तिलावत की है, जिसके अंदर 26 आयतें और एक रुकू है। खालिक़े कायनात आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, हल अता का हदीसुल गाशिया, तहकीक खबर मिल चुकी है ऐ प्यारे महबूब आपको, हर वो चीज जो दाम लेने वाली है उसकी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी है। ऐ प्यारे महबूब तहकीक आपको खबर मिल चुकी है, वो जो दाम लेने वाली है हर चीज को दाम लेने वाली है, यानी यहाँ अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है। क़यामत जो है वो अव्वलीन और आखिरीन सबको डांपने वाली है। क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा किया जाता है। अहादीस मुबारका उठा के देखें, क़यामत ऐसी है जो अचानक बरपा होने वाली है। वो ऐसा दिन है, इतना बड़ा दिन है, जिसकी मिकदार 50,000 साल जिक्र की गई है, जो कि कुरान अजीम फुरकान हमीद ने बयान फरमाई। और अल्लाह वहदहु ला शरीक उस दिन की होलनाकी को बयान कर रहा है कि क़यामत ऐसी चीज है, ऐसी आने वाली है जो जवानों को बूढ़ा कर देने वाली है, हामिला जो हो उसके हमल को साबित कर देने वाली है। क़यामत अचानक सर पे आ जाएगी, कोई दूध धो रहा होगा क़यामत बर्पा हो जाएगी, वो कपड़े का लेन देन कर रहा होगा क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो इस हाल को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ बयान फरमाया, वजूही यौमा इज़िन खाशिया, कितने चेहरे उस दिन जलील होंगे। काफिर कुफर की वजह से काफिर का हाल ये होगा कि वो खुद जलील होगा, और जो जिद्दत है कुरान ने जिक्र किया उसके चेहरे से पहचान ली जाएगी। काफिरों का जो कुफर है, कुफर की वजह से उनके चेहरों से पहचान लिया जाएगा, ये काफिर हैं, ये बदबख्त हैं, ये अल्लाह ताला को नाराज करने वाले हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में रहते हुए खाल के कायनात से रूह गर्दानी भी ऐसी की कि खाली को नाराज कर दिया। आज अल्लाह वहदहु ला शरीक उनकी तरफ तकने वाला नहीं होगा, उनकी तरफ नजर करम करने वाला नहीं होगा। आपकी ना तो काम करने वाले, मशक्कत बर्दाश्त करने वाले, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत में यही काफिर अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुजूर खड़े होंगे। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जिद्दत इनका मुकद्दर बन चुकी होगी। और जब इनको अजाब दिया जाएगा, ये दोज़ख में रहते हुए ऐसे अजाब से दो चार कर दिए जाएंगे, जंजीरों से इनको जकड़ दिया जाएगा और तोड़ इनके गले में डाल दिया जाएगा। वो ऐसी मशक्कत बर्दाश्त करेंगे जिनसे इनका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इस हाल को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ जिक्र फरमाया, आमिलतुन नासिबा, और ये हाल बहुत मुश्किल होगा जब वो अजाब से दो चार होंगे। और अल्लाह वहदहु ला शरीक का जो अजाब है वो बड़ा सख्त है, शिद्दत वाले अजाब से वो दो चार होंगे। नारन हामिया, जब यही काफिर अल्लाह वहदहु ला शरीक इनको जोंक देगा, इनको पकड़कर जंजीरों से जकड़कर जहन्नम की पड़ती हुई आग में फेंक दिया जाएगा, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हामिया कहते हैं पड़ती हुई आग को, नारन हामिया पड़ती हुई आग उनका मुकद्दर हो जाएगी, उनको जहन्नम में पकड़कर धकेल दिया जाएगा, चौंक दिया जाएगा। और वहां जहन्नम जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है, वहां कोई रोशनी का इस्तेमाल नहीं है, उसके शोले आसमान दुनिया से बातें करने वाले। ईमान की दौलत, ईमान की हलावत से वो दूर रहे, जिसकी वजह से अल्लाह वहदहु ला शरीक के फरिश्ते उनको पकड़कर जहन्नम में डाल देंगे। और जहन्नम में डालने के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक जो वहां उनकी गजा है उसका जिक्र खैर कर रहा है कि जब वो जहन्नम में होंगे, आइनुन ऐसा चश्मा अल्लाह वहदहु ला शरीक उनको देगा जिसका पानी आंधियां खोलता हुआ होगा। मुफस्सिरीन किराम ने जिक्र फरमाया है, अगर पहाड़ों पर एक कतरा डाल दिया जाए वो चुलस जाए, पहाड़ बर्दाश्त ना करें, जलकर खाक हो जाए। तो अंदाजा करें कि कितनी शिद्दत होगी, उसका बिन आई दिन आंधियां के अल्फाज हैं, उनको पिलाया जाएगा ऐसे पानी से, ऐसे चश्मे से जो खोलता हुआ होगा, और रसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। उनकी खराब अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिक्र फरमाया, अगर जो खराब होगी उनकी इल्ला मिन तरी, वो ऐसी घास होगी, ऐसी घास को तरी कहा जाता है जो खुशक होती है, जो जहरीली होती है, खारदार शाख होगी,
जिसके कांटे उनकी हलक को चीर कर रख देंगे, वो शाखें जहरीली होंगी और उनके अंदर कोई हलावत नहीं होगी। ऐसी खुराक उनको दी जाएगी ना निकल सकेंगे ना बाहर फेंक सकेंगे। ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू, ला युस्मिनु ना वो मोटा हो सकेंगे ना फरमा हो सकेंगे। वला युग्नी मिन जू और ना भूख से ये किफायत करने वाला होगा। ये तो अल्लाह का अजाब होगा जब उनको खाने के लिए ऐसा खाना दिया जाएगा, ना इनके जिस्म को मोटा करने वाला होगा ना इनकी भूख को दूर करने वाला होगा। उनकी खुराक का ये आलम है तो उनके साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक क्या हशर करेगा। वजूही यौमा इज़ नाइमा, अब यहाँ अल्लाह वहदहू ला शरीक जिक्र कर रहा है ऐसे चेहरों का, कितने ऐसे चेहरे होंगे जो बार रौनक होंगे, उनके चेहरे से खुशी नजर आ रही होगी, वो हशाश बशाश होंगे, वो शादा होंगे, वो खुश होंगे। अल्लाह वहदहु ला शरीक की नेमतें जब देखेंगे उनके चेहरे तरोताजा हो जाएंगे, जिस तरह दुनिया में आप गुलाब को देखते हैं उनके चेहरे उससे भी ज्यादा हसीन होंगे। वजह यह है कि उन्होंने जो जिंदगी में अमल किए हैं उनका सिला अल्लाह वहदहू शरीक उनको अता फरमाएगा। उनके नेक अमल, उनकी साई जो होगी दुनिया में रहते हुए उन्होंने जो नेक अमल किए होंगे उन पर वो राजी होंगे। फी जन्नत आलिया, वो बुलंद जन्नत में होंगे। ला तस्मा फीहा लागिया, ना उस जन्नत में वो कोई बेहूदा बात सुनेंगे, कोई बेहूदा बात जन्नत में उनके लिए नहीं होगी कि वो सुने। वजह ये है कि जब जल्दी अल्लाह ताला के पड़ोस में होंगे बेहूदा बात का तसव्वुर कैसे हो सकता है। वो ऐसी हिम्मत वाली बातें करेंगे जिनके लबों से हिकमत के मोती बाहर आ रहे होंगे, जिनके मुंह से गुलाब जड़ रहे होंगे, उनकी गुफ्तगू कैसी होगी। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसका जिक्र खैर फरमाया। जन्नत का लुगवी माना है डांप लेना, और जन्नत को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से डांप लिया है। जन्नत को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से डांप लिया है, वहां वो ऐसा कोई कलाम नहीं सुनेंगे। फीहा आइनुन जारिया, और उस जन्नत में ऐसे चश्मे हैं जो बहते होंगे, ऐसे चश्मे अल्लाह वहदहू ला शरीक जारी फरमाएगा जो बहते हुए होंगे, वो रुकने वाले नहीं है। रब ताला का फजल उनके शामिल हाल हो जाएगा, और जब रब ताला का फजल उनके शामिल हाल हो जाएगा तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसे चश्मों से माला माल फरमाएगा जिनका जिंदगी में कभी उन्होंने तसव्वुर नहीं किया होगा। फीहा सुरुरुम मरफूआ, और उनकी जो मसनद होगी, उनका जो तख्त होगा वो बुलंद जगह पर होगा, उनका तख्त फिजा में होगा। जैसे आप देखते हैं आसमान पे भी चीज है, अल्लाह ताला का उनकी मसनदें, उनके बैठने की जगह, उनके तख्त जो है वो फिजा में होंगे, जो देखेगा देखता रह जाएगा। जब अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमतें उनके शामिल हाल हो जाएंगी तो उनके बैठने का तज़किरा यहाँ अल्लाह वहदहू ला शरीक कर रहा है। वो अक़वातुन मौदूआ, और जाम जो उनको दिए जाएंगे वो मौदूआ अपनी जगह बड़ी तरतीब के साथ रखे हुए होंगे, और उनके जाम जो उनको पेश किए जाएंगे वो किताब दर किताब रखे हुए होंगे, जैसे चश्मा होता है उसके गिर्द ग्लास रख दिए जाए। और एक सूरत ये भी है कि जब अहले जन्नत पीना चाहेंगे वो जाम ग्लासों में खुद का खुद भर कर उनके मुंह से लगते चले जाएंगे। एक सूरत ये है कि जन्नतियों को जितनी तलब होगी वो ले लेंगे, उसमें से पीते चले जाएंगे, और ये भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की करम नवाजी उनके लिए होगी। मसबूफा, और उनके लिए ऐसे कलीन होंगे जिनपे तकिया लगे हुए होंगे, ऐसे कलीन बिछे हुए होंगे जिनपे तकिए लगा दिए गए होंगे। और उनकी मसनदें बिछा दी जाएंगी, ऐसे कलीन बिछा दिए जाएंगे, ऐसे फर्श बिछा दिए जाएंगे, जिस तरह दुनिया में आप देखते हैं जिस जगह टाइलें अच्छी लगी हो, कोई पत्थर ग्रेनाइट का लगा हो, आप कहते हैं बड़ा अच्छा पत्थर लगा है, बड़ी अच्छी टाइल लगी है, इससे ज्यादा क्या हसीन फर्श होगा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो अहले जन्नत को देना है उनके जो फर्श होंगे वो उसकी मिसाल ये है कि उन पर हीरे जवाहरात जोड़ दिए जाएंगे, हीरों से उनको मुजयन कर दिया जाएगा, या उनके मोती उनके अंदर लगा दिए जाएंगे, तो उन फर्श की अजमत का आलम कैसा होगा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ऐसी मसनद अता फरमाएगा अहले जन्नत में जहां उनके तख्त भी ऐसे होंगे वो हीरे जवाहरात उन पर मुजयन होंगे, उनके फर्शों का हाल भी ऐसा होगा हीरे जवाहरात के मोती वहां मुजयन होंगे, और उनकी आरामगाहें भी ऐसी होंगी जो सोने चांदी से मुजयन होंगी, उनके बर्तन भी सोने चांदी से मुजयन होंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कुरान का फहम नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल बलागुल मुबीन।